दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या प्रेजेंट टाइम में किसी इंस्टीट्यूट से आप अकाउंटिंग का कोर्स सीख रहे हो, टेली जैसे सॉफ्टवेयर को आप सीख रहे हो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन चलता है भी जितने भी हमारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि खर्चे होते हैं वो सारे नगद के खर्चे होते हैं या फिर जो हमारी इनडायरेक्ट रूप से अदर इनकम होती है वो टोटल हमारी कैश के थ्रू ही इनकम होती है। तो यानी कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न फ्रेशर अकाउंटेंट के माइंड में रहता है कि खर्चे की एंट्री टोटल हमें पेमेंट में ही करनी होती है और जो हमारी इनकम की एंट्री होती है वो हमें टोटल रिसिप्ट के अंदर ही करनी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके मैं सारे वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको पेमेंट वाउचर में किस टाइप को एंट्री को पास करना है और जर्नल वाउचर के अंदर किस टाइप की एंट्री को पास करना होता है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आपके नगद के नहीं होते और टोटल इनकम आपकी कैश की नहीं होती, कुछ आपकी क्रेडिट भी होती है और क्रेडिट के आपके यानी कि पेबल खर्चे भी आपके रहते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है कैश के अंदर और पेबल एक्सपेंसेस के अंदर, तो सारा डाउट आपको इसी वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर एक्सेल शीट के साथ आपके साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखोगे तभी आप इस डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज ये जो सस्पेंस आपका है ये बना ही रह जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड लगातार नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करें आप। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, इससे पहले हमने दो वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए थे डेबिट और क्रेडिट रूल के बारे में, और आज ही हमारा तीसरा वीडियो है। और जो फर्स्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसके अंदर हमने कुछ परचेज और सेल, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री के बारे में समझा था। उसके बाद में जो हमने सेकेंड वीडियो अपलोड किया था उसके बाद में हमने उसमें जो बैंकिंग की जो हमारी ट्रांजेक्शन रहती है बिजनेस के अंदर उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इनडायरेक्ट इनकम को लेके या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके भी उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यानी कि उसकी जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है कौन सा लेजर डेबिट होगा एक्सपेंसेस में और कौन सा लेजर है जो क्रेडिट होता है। तो दोस्तों, एग्जांपल हम बात करें 15 नंबर पॉइंट की, आप देख सकते हो भी सुदेश को 50 रुपये का नगद डिस्काउंट दिया गया है हमारी कंपनी की तरफ से। अब फ्रेशर अकाउंटेंट इसको क्या समझता है भी हमने इसको हमारे गले में से नगद पैसा निकाल के दिया है और ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ये हमारा एक तरीके का खर्चा है। तो यानी कि हमारे बिजनेस में से ये 50 रुपये की है जो ये कैश कम हुई है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है, इस सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं भी चैप्टर क्या कहते हैं भी सुदेश को 50 रुपये का नगद डिस्काउंट दिया। अब देखो, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हम कितने तरीके से देते हैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, डिस्काउंट हमारा क्या आता है, एक आ गया हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है, एक आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और तीसरा हमारा कौन सा आ गया जो हमारा एडजस्टमेंट का डिस्काउंट होता है। अब कौन सा होता है तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, कैश अकाउंट का डिस्काउंट कब दिया जाता है, अब केस अकाउंट का डिस्काउंट दिया जाता है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा भी सुदेश को 50 रुपये का नगद डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले एक बार हम इसमें से डेबिट और क्रेडिट क्लियर कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो डेबिट और क्रेडिट होना है, अब क्रेडिट इसमें क्या होगा, हम डिस्काउंट किसको दे रहे हैं, सुदेश को, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा भी जो सुदेश का जो लेजर है, सुदेश का लेजर होगा क्रेडिट, क्यों होगा क्रेडिट वो अभी अब हम देखेंगे। अब आप कहोगे भी सुदेश ने हमें कोई 50 रुपये दिए थोड़ी है, नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए, हमने इसको डिस्काउंट दिया है। तो आप कहोगे भी इसको डिस्काउंट हमने इसको दिया तो इसके खाते में हमने डेबिट क्यों नहीं किया, अब इसी पे हम डिस्कस करेंगे। और जो डेबिट रहने वाला है वो हमारा रहेगा कैश डिस्काउंट का जो लेजर है वो हमारा रहेगा यहाँ से डेबिट, हम इसको यहाँ से कर देते हैं इसको डेबिट रेड कलर में, और जो हमारा क्रेडिट है वो हो जाएगा यहाँ से सुदेश। अब इसकी बात करते हैं भी 50 रुपये का नगद डिस्काउंट खाते को हमने डेबिट क्यों किया और सुदेश को क्रेडिट क्यों किया। अब हम चलते हैं एक्सेल लेजर पे। अब मान लीजिए जैसा कि हमारे पास एक सुदेश का अकाउंट है, हमने तारीख आज लगा देते हैं हम 26 अक्टूबर 2022 की, ओके, और मान लीजिए हमने इनको कोई प्रोडक्ट सेल किया है, इनवॉइस हमने इसको बेचा हुआ है, ठीक है,
सेल हमने करी है और वाउचर नंबर मान लीजिए हमने एक नंबर इनवॉइस हमको दिया और इनवॉइस की जो टोटल अमाउंट बनी है वो बनी है 1500 रुपये की, यह हम राउंड फिगर में करते हैं 1545 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब देखो ये 1545 रुपये का हमने सुदेश को सामान है जो सेल किया है, तो जाहिर सी बात है अभी सुदेश के अकाउंट के अंदर ये पैसा डेबिट साइड के अंदर लिखा जाएगा। हम सुदेश के खाते की बात कर रहे हैं, सेल के अकाउंट की बात अभी नहीं कर रहे। तो अभी क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो आप देख रहे हो क्लोजिंग बैलेंस इसका 1545 रुपये डेबिट साइड का हो गया, यानी कि DR हमने पैसा सुदेश से लेना है। अब सुदेश ने क्या किया, भी मेरे पास 1545 रुपये नहीं है, ये कब बात बोली उसने, मान लीजिए इसने 28 तारीख को आया हमारे पास में, 28 अक्टूबर 2022 को, और इसने हमारे को पेमेंट दे दी, ठीक है, और हमने इसको रिसिप्ट का नंबर भी दे दिया। अब ये सुदेश ने ये बात बोली कि भाई साहब मेरे पास 1545 रुपये नहीं है, लेकिन मेरे पास तो 1540 रुपये ही है, तो हमने क्या कोई बात नहीं, आप 1540 रुपये दे दो। तो अगर हम 1540 रुपये अगर इनसे लेंगे तो अब आपका अकाउंट क्या बोलेगा, भी अभी भी आपने सुदेश से 5 रुपये और लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि 1545 रुपये का हमने सेल किया और 1540 रुपये हमने इसके जमा किए। अब हमें भी पता है ये 5 रुपये अब आएंगे नहीं, क्योंकि इसने स्पष्ट कह दिया भी 1540 रुपये ही दूंगा मैं। तो अब हमने क्या किया, अगर हम इसको करेंगे तो ये हम पेमेंट इसका जो डिस्काउंट देना है 5 रुपये का, अब इसमें हम क्या करेंगे भी 1540 रुपये की तो एंट्री हम करेंगे इसकी कैश की, और ये जो 5 रुपये का जो हमने इसको छूट करनी है, अब ये 5 रुपये का एक तरीके से हमारी तरफ से अब क्या होने वाला है, ये कैश डिस्काउंट, अब ये आ जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, भी जब कोई भी फाइनल फिगर को अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो जितना डिफरेंस रहता है हमारा, जैसा कि अभी 5 रुपये हमारे पास बच गया, तो ये 5 रुपये हमने एक तरीके की नगद की इसको छूट कर दी, क्योंकि ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कैश डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, भी ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए भी टोटल इनवॉइस है जो इस कस्टमर का, मान लीजिए जैसे कि 1545 रुपये बना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं, मान लीजिए 1545 रुपये का इसका इनवॉइस बना, और हमने ये इसी इनवॉइस के अंदर ही हमने इसको 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, इनवॉइस के अंदर ही लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका डिस्काउंट अगर हम, ये तो मान लेते हैं हम इसकी टोटल वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं फाइनल अमाउंट होने के बाद में 40 रुपये का, तो अब इसकी टोटल अमाउंट नेट अमाउंट कितनी रह जाएगी, तो यानी कि 1545 में से अगर हम 40 रुपये को माइनस करेंगे तो अब कस्टमर से हमें कितना पेमेंट लेना पड़ेगा सुदेश से, 1505 रुपये। तो ये 1505 रुपये, यानी कि अब ये जो 40 रुपये का हमने जो इनवॉइस के अंदर ही जो डिस्काउंट लगा दिया, ये डिस्काउंट होता है हमारा ट्रेड का डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये ट्रेड का डिस्काउंट हमारा 40 रुपये आ गया, क्योंकि इसने कोई नगद पेमेंट देते वक्त ये 40 रुपये इसने कम नहीं करवाए हैं, इसने इनवॉइस में ही कम करवा दिए, तो ये इनवॉइस में जो कम होता है वो हमारा एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एडजस्टमेंट डिस्काउंट। अब एडजस्टमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या आ गया, अभी इसी को हम चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसको 1545 रुपये का सामान है जो सेल किया है, अब कस्टमर को हमारी ये डील हुई थी भी अगर आप हमारे से 1500 से ज़्यादा का अगर हमारे से आप सामान खरीदते हो तो हम आपको 20 रुपये का अलग से छूट कर देंगे बाद में। अब ये तो मान लीजिए जैसे कि 1545 वन टाइम हो गया, अभी मान लीजिए 1545 रुपये इसने क्या किया भी, हम इसको एक बार यहाँ से कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, भी मान लीजिए इसने भी पहले बार 500 रुपये का ख़रीदा, फिर इसने 500 रुपये का और सामान हमारे से ख़रीदा, फिर इसने हमारे से 600 रुपये का सामान खरीदा, तो टोटल सामान कितने का खरीद लिया इसने, 1600 रुपये का। अब हमारी बात हुई थी भी अगर 1500 रुपये से ज़्यादा का जिस दिन भी सामान तेरे पास चला जाएगा उस दिन हम आपको भी 20 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे भी, जाहिर सी बात अभी इसने हमारी टर्म एंड कंडीशन पास कर ली, तो ये जो 20 रुपये अब हम इसको दे रहे हैं डिस्काउंट के, आप इसको आप एज ए डिस्काउंट समझ सकते हो, इंसेंटिव समझ सकते हो, अपना सेल प्रमोशन समझ सकते हो, भी आपने अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपने सुदेश को एक लालच दिया था, ठीक है ना। तो आप इसको ये डिस्काउंट आप अपनी तरफ से इसको डिस्काउंट मान सकते हो। अब इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स प्रमोशन, भी आपका ये सेल्स प्रमोशन रहेगा। अब जैसे इसके 20 रुपये हमने जमा किए तो कस्टमर के पैसे कितने रह गए बकाया, 1580 रुपये। अब ये जिस दिन 1580 रुपये हमारे को दे देगा उस दिन इसका खाता जो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1580 रुपये इसने कैश दे दिए और 20 रुपये इसके बनते ही थे। तो अब ये जितने भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं
हमारी तरफ से। अभी देखो जो अभी हमने बात करी थी ना, अभी सुदेश की जमा क्यों किए, क्योंकि अगर हम उसके क्रेडिट नहीं करेंगे तो उसका बैलेंस कम कैसे होगा, डेबिट करेंगे तो इसका बैलेंस तो और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम 20 रुपये क्रेडिट की बजाय हम इसको डेबिट में करते हैं, तो अभी आप देखोगे इसका बैलेंस है जो पहले यहाँ तक 1600 चल रहा था, उसके बाद में 20 रुपये और बढ़ के 1620 रुपये का हो गया। अब इसने 1580 रुपये दे दिए तो इसके हिसाब से अभी 40 रुपये इससे और लेने वाले होगी। तो इसलिए एक्सपेंसेस की एंट्री अगर हम किसी को अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसकी जनरल एंट्री हमारी तरफ से क्या बनती है, इसकी एंट्री में एक ट्रेडिंग बनते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमने क्या किया कि सुदेश को अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था और डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया था, तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या रहेगी। जैसे उसी एंट्री की हम बात करें तो जैसे 1545 रुपये वाली एंट्री थी हमारी ना, इसको हम वापस हटा देते हैं। अब कस्टमर ने क्या किया कि 1540 रुपये दे दिए और 5 रुपये इसने डिस्काउंट करा दिया, तो ये हमारा 5 रुपये कैस डिस्काउंट आ जाएगा। अब इसकी जो जनरल एंट्री बनने वाली है वो हमारे पास क्या बनेगी, भी सबसे पहले जो एंट्री बनेगी वो तो सुदेश के अकाउंट के अंदर डेबिट होने वाला ही है, क्योंकि हमने इसको 1545 रुपये का सेल किया है, और टू हमारी जो सेल है वो क्रेडिट हो जाएगी 1545 रुपये से। अब उसके बाद में हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश इसने हमारे को कितना दिया है, यानी कि 1540 रुपये ही नगद दिए हैं, 1545 नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे, 1540 रुपये कैश को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और उसके बाद में कैश डिस्काउंट के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और कितने रुपए से, 5 रुपये से। अब हम जमा करने वाले हैं सुदेश के 1545 रुपये, तभी तो इसका दोनों साइड का टोटल हमारा 1545 का इक्वल हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो एक्सपेंसेस है नगद डिस्काउंट, यानी कि हमारी तरफ से हमने कोई जेब के अंदर से नगद निकला के नहीं दिया, ये कैश डिस्काउंट के नाम से एक अलग से लेजर क्रिएट होगा, जैसा कि अभी हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था दुकान खर्च, यानी कि शॉप एक्सपेंसेस के नाम से जिस प्रकार से लेजर बनेगा ना, उसी प्रकार से ये कैश डिस्काउंट के नाम से हमारा बुक्स के अंदर यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैश डिस्काउंट के नाम से लेजर क्रिएट होगा, और इसका ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सुदेश तो हमारे लिए डेबिटर है क्योंकि हमने इसको पहले सामान सेल किया हुआ था, तो ये हमारा सैलरी डेबिटर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 16 की अगर हम बात करें कि ABC पेट्रोलियम से 500 रुपये का पेट्रोल हमने लिया है, तो अब आप समझोगे भी 500 रुपये का नगद हमने पेट्रोल लिया है। तो अब आपके ऊपर देखो, अगर इस लाइन के अंदर अगर हम बात करें नगद की, तो नगद सर्विस इसके अंदर यूज़ हुआ ही नहीं है, तो अब आपकी कंपनी के लिए क्या हो गया, ये पेट्रोल लिया था, यानी कि ये तो आपकी कंपनी के लिए पेट्रोल एक्सपेंसेस है, यानी कि ये तो खर्चा किया हुआ है, और हमने ये खर्चा उधार का किया, यानी कि अभी भी ये 500 रुपये ABC पेट्रोलियम कंपनी को भुगतान करने वाला बकाया पड़ा है। तो इसकी जनरल एंट्री अब क्या रहने वाली है, भी हमने पेट्रोल एक्सपेंसेस को तो हम करेंगे डेबिट, और ये जो हमारी ABC कंपनी है जिसका भुगतान अभी हमें करना है, तो ABC पेट्रोलियम कंपनी क्या होने वाली है, क्रेडिट। अब इसकी जनरल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम एक बार हटा देते हैं, तो हमारा रहेगा ये, आप चाहे तो फ्यूल एक्सपेंसेस के नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपये से, 500 रुपये से, और टू ABC पेट्रोलियम, तो ये 500 रुपये उस कंपनी के क्रेडिट हो जाएंगे। अब जैसे ही हमने ये 500 रुपये का भुगतान जिस दिन हम कर देंगे, उस दिन इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, ABC पेट्रोलियम अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, और हमने अगर नगद भुगतान किए हैं टू आएगा टू कैश, अगर हमने बाय बैंक भुगतान किए हैं जैसे हमारे पास SBI बैंक चल रहा है, तो टू SBI बैंक, तो उस दिन हमें 500 रुपये SBI बैंक के जमा करेंगे, फिर कैश की एंट्री नहीं होगी। अगर कैश की एंट्री होती है तो बैंक की नहीं होगी, बैंक की होगी तो कैश की एंट्री नहीं होगी, दोनों में एक ही ट्रांजेक्शन रहनी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में अभी जो आपने डिस्कस किया था यहाँ पर, सुदेश को 50 रुपये का जो डिस्काउंट दिया था, यानी कि जो हमारा एडजस्टमेंट का डिस्काउंट था, अगर हमने कोई सेल प्रमोशन के थ्रू अगर कोई डिस्काउंट दिए तो वो उसके अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट का अकाउंट हमारा डेबिट होगा और सुदेश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब इसी तरीके से जैसे पॉइंट नंबर 14 की अगर बात करें, जैसे हमने लिखा 500 रुपये का नगद दुकान का खर्च किया, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो गया भी, अब हमने ये खर्चा कौन सी कंपनी का किया है उसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी कंपनी का कैश का खर्चा है तो कैश आपकी कंपनी में से निकल चुका है, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, और आपने किसके लिए किया है, शॉप एक्सपेंसेस के लिए, तो शॉप एक्सपेंसेस को हम करने वाले हैं डेबिट यहाँ पे। तो इसकी जनरल एंट्री अब क्या बनने वाली है, इसको हम हटाते हैं,
और इसकी जो एंट्री बनेगी वी शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर आप इसका नरेशन वगैरह हम जो लिख सकते हैं भी ये जो हमारा एक्सपेंसेस है वो किस पर्पज़ से किया गया है, कौन सी पार्टी को इसका भुगतान किया गया है, इनवॉइस का वाउचर का नंबर वगैरह क्या है, तो वो सब कुछ हम इस नरेशन के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस तरीके से अगर आपके पास कोई उधार का जो खर्च है जैसा कि अभी हमने किया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे भी उस कंपनी की हम क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंसेस को हम करने वाले हैं डेबिट। अगर हमने केस करते अगर हमने ये लिख दिया कि एबीसी पेट्रोल से 500 रुपये का नगद पेट्रोल अगर हमने लिया, अगर हम वर्डिंग अगर ये यूज़ कर लें भी हमने नगद पेट्रोल लिया है, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है भी अब पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो तो डेबिट होने वाला ही है, अब इसमें एबीसी पेट्रोलियम का कोई रोल नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या रहेगा, केस का जो लेजर है वो क्रेडिट हो जाएगा, सेम यही 14 नंबर वाली पॉइंट की कहानी है जो यहाँ पर लागू हो जाएगी। अब इसके अंदर नगद शब्द का यूज़ कर दिया तो इस पार्टी कंपनी का अब कोई ज़्यादा रोल इसके अंदर नहीं है, पेट्रोल एक्सपेंसेस का डेबिट टू कैश, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो से कुछ जरूर आपको सीखने को मिला, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर देना, अदरवाइज वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको आगे भी लगातार मिलती रहेगी।